गाइस वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम लाए हैं वायरलेस माइक जो काफी अफोर्डेबल रेट में है। आप देख सकते हैं मैंने अमेज़न से परचेज करा है। अब इसकी हम करते हैं अनबॉक्सिंग और इसके बताते हैं फीचर्स और ये काफी अफोर्डेबल रेट में, इसके प्राइस भी बताते हैं। ये जो है 30,000 से 40,000 वाले स्पीकर्स को भी फेल कर रहा है। अब हम करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, तो देखते हैं हमें ये किस प्राइस पे और कैसी क्वालिटी मिली है, क्योंकि प्राइस के हिसाब से क्वालिटी भी होती है। पर ये मैंने सोचा कि अपने थोड़ा सा बजट में चीज़ मंगाते हैं। ये हमारी इसकी बिलिंग निकली है जो काफ़ी जेन्युइन प्राइस है, 2,999 ओनली। और ये एक वैसे देखा जाए तो काफ़ी लुक में बेहतरीन है, गिरनेरो ब्रांड है। देखा जाए तो ब्रांड जो है वो चाइनीज़ ब्रांड है, पर क्वालिटी के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। बाकी देखते हैं हम इसकी अनबॉक्स करके कि इसके अंदर हमें क्या मिलता है। ये सबसे पहले तो हमें इसमें मिलती है इसके जो फीचर्स और इसकी जो बुक होती है, इसमें सब कुछ नोट होता है इसकी। इसको हम रखते हैं साइड पर, इसके आगे बताते हैं आपको फ़ीचर्स। अब ये जो हमारा इसका जो केस है, चार्जिंग केस, काफ़ी बेहतरीन है। आप देख सकते हैं कुछ क्या बेहतरीन लुक में आया। और इसके अंदर हमें मिलते हैं दो माइक और एक इसका जैक जो, और इस जैक की सबसे नंबर वन जो बात है वो ये है कि इसको कोई चार्ज करने का ऑप्शन नहीं है, इसको हमें चार्ज करने की टेंशन नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हमने इसको देखा जाए तो डायरेक्ट ऑनली, जैसे कि ये हमने फ़ोन से कनेक्ट करना नॉर्मली और ये हमारा माइक, जो माइक्स हैं वो हमारे स्टार्ट हो जाएंगे। और ये कंपनी ने जो है, बेशक चाइनीज़ ब्रांड है पर काफ़ी अच्छी क्वालिटी दी है हमारा। ये आप केस देख सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा है कैरी करने के लिए भी। बाई चांस अगर गिर जाए तो डैमेज नहीं होंगे हमारे माइक्स वगैरह। और ये जो अभी कंपनी ने न्यू दिए हैं, ताकि इन्होंने ये केस में टेप लगा के दिए ताकि चार्जिंग ना हो, क्योंकि कस्टमर तक पता नहीं कब पहुंचनी होती है चीज़। तो अब ये हम जब जैसे ही, सबसे जो इसकी अच्छी बात है, जैसे ही इसको हम जैसे उसमें लगाएंगे केस के अंदर, ऑटोमेटिक चार्जिंग स्टार्ट आई, यानी कि हमें कोई चार्जिंग करने की, ये ऐसे नॉर्मली केस में हमारे दोनों माइक जैसे आप फिट करेंगे और ये चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी। आप देख सकते हैं रेड लाइट जलने लगी है, क्योंकि अभी ये हमारे पास ब्रांड न्यू आया, थोड़ा सा बैटरी शायद इसकी डाउन हो। अभी हम इसको चार्ज भी करेंगे। और जो इसकी अगर चार्जिंग की बात की जाए तो ये 2 से 2.5 घंटे में आपका फुल चार्ज हो जाएगा। और ये हमने इसका जो जैक है वो ऐसे नॉर्मली लगा के पैक कर देना ताकि कैरी करने में आसानी हो। अब हम बात करते हैं इसकी जैक की, जैसे नॉर्मली हमें इसको कोई चार्ज करने की भी टेंशन नहीं है। और हमने बस ये फ़ोन में लगाया और फिर इसमें एक बटन दिया हुआ साइड बटन, इसके बटन्स के बारे में बताऊंगा। इसमें और भी फीचर्स है इसी एक ही बटन में। ये हमने ऐसे पुश करके करना है तो ये ऑन हो गया, ये ग्रीन लाइट जल गई है। स्टार्ट करके हम अपनी वॉइस जो है अपना क्लियर कर सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं, जैसे कि हमने कहीं, आप इस पर अपने ऑफिस की मीटिंग्स वगैरह या वीडियो शूट कुछ भी करना हो तो ये काफ़ी बेटर है, और एक नॉर्मल बजट में देखा जाए तो। अब बात करते हैं कि हमें साइड में और बॉक्स मिलता है, उसमें डाटा केबल्स वगैरह का, ये डाटा केबल का साइन दिया हुआ है। अब इसके अंदर देखते हैं हम क्या क्या मिलता है हमको। तो ये हमारा जो है सबसे पहले निकली एक डाटा केबल, और काफ़ी सारे हमें जैक मिलते हैं। ये जैक जैसे कि कोई मेरा ब्रदर कोई आईफोन वाला है तो आईफोन के लिए हम इसको आईफोन से भी कनेक्ट कर सकते हैं, सी टाइप बाई आईफोन, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। बस इसको हमने इसी जैक को लगाना है इसमें और हमारा ये आईफोन से कनेक्ट हो जाएगा इजीली, ताकि हमें बाहर से कुछ भी परचेज़ ना करना पड़े। बेशक सामान आया है तो क्वालिटी दी है, 3,000 रुपये भी थोड़े नहीं होते, क्वालिटी है 3,000 रुपये के हिसाब से। और ये हमें दिए हैं जैक ताकि अगर आपने खुद कभी खुद अकेले शूट कर रहा होता आदमी, तो हमने माइक पे माइक में ऐसे लगा लेना है और हमें नहीं पता कि वॉइस कैसी आ रही है। तो हमने अगर एयरफोन आपके पास हैं तो एयरफोन हम नॉर्मली अपने लगा के तो हम अपनी वॉइस चेक कर सकते हैं कि हमारी वॉइस कैसी वीडियो में जा रही होगी। तो एक ये भी काफ़ी अच्छा फीचर्स दिया है देखा जाए तो। और अब हम वीडियो शूट कर रहे हैं और जैक लगा हुआ है, बाई चांस कई बार होता है कि वीडियो लंबी चल रही है तो जो है हमारी बैटरी फ़ोन की डेड होगी, तो हम सोचेंगे यार अगर हम ये निकालेंगे
तो हमारा जो शूटिंग चल रही है तो हमारी शूटिंग बंद हो जाएगी। पर इसमें एक सबसे अच्छा ऑप्शन दिया है कि आप जो है चार्जिंग इसी जैक में करके कर सकते हैं। ये देखें ऐसे नॉर्मली अब हमारी हम इसको जो है चार्जिंग लग कर सकते हैं। जैसे अगर वीडियो शूट चल रही है आपकी पावर बैंक आपने साथ में रखा हुआ है, साथ में आपका माइक भी चलेंगे, फ़ोन भी चार्ज हो रहा है, तो ये भी काफ़ी बेटर फीचर है। तो अब हम बात करते हैं इसके जो फाइनल जो नॉर्मली प्राइस जो हमें आया है, काफ़ी अफोर्डेबल रेट है, कोई भी परचेज़ कर सकता है। पहले मैं जो सोच रहा था कि 30 से 40 हज़ार के माइक्स लेके आऊँ पर वो काफ़ी महंगे थे, तो पर फिर मैंने अमेज़ॉन पे देखा कि एक नॉर्मल बजट में भी परचेज़ करना चाहिए कोई चीज़ और उसकी क्वालिटी देखनी चाहिए। तो अब हम इसकी क्वालिटी की बात करते हैं, तो अब हम बाहर जाके इसकी जो है क्वालिटी देखेंगे, वॉइस आपको चेक कराएंगे कि कैसी वॉइस में भी इसके तीन ऑप्शन आते हैं। एक नॉर्मली ऑप्शन है जो नॉर्मल आपका आवाज़ जो है साइड की आवाज़ जो है वो साउंड आएगी, पर अगर हम सेकंड पुश करेंगे तो फिर सिर्फ आपकी माइक की आवाज़ आएगी और आसपास की मार्केट की या शोर से बिल्कुल भी नहीं आएगा। और थर्ड जो ऑप्शन है वो ऑप्शन इसमें ये है कि जैसे कि हम बहुत बड़े से हॉल में होते हैं और अकेले बोल रहे होते तो बहुत ज़्यादा आवाज़ गूंज रही होती है, इसमें वो भी ऑप्शन है कि अगर आप कहीं नॉर्मली कहीं बाहर भी खड़े हो और आपने को चाहिए कि मैं वॉइस वैसी लेके आऊँ जैसी कहीं बहुत बड़े एक हॉल में हूँ गूंजने की आवाज़ आ रही हो, तो इसमें अगर आप इसको तीन बार पुश करेंगे तो ये वो आवाज़ निकालना शुरू कर देगा। तो अब हम बाहर चलते हैं, बाहर चल के आपको इसकी वॉइस टेस्ट कराते हैं कि वॉइस कैसी आ रही है। इस टाइम हम आ चुके हैं बाहर आपको वॉइस की इसकी क्वालिटी दिखाने के लिए। तो इस टाइम जो इसका जैक है वो मेरे हाथ में, अभी जो फ़ोन जो इस टाइम रिकॉर्डिंग हो रही है वो आप देख सकते हैं नॉर्मली फ़ोन से हो रही है। मैं दो मिनट चुप होता हूँ ताकि आपको आसपास की वॉइस सुनाई दे पक्षियों की और जो थोड़ा सा शोर शराबा। तो आप देख रहे होंगे कि बिना जैक के कैसी आवाज़ आ रही है परिंदों वगैरह की और शोर शराबा थोड़ा सा आ रहा है। अब हम जो अपना ये ट्रांसमीटर है तो इसको हम जैक को लगाते हैं अपने मोबाइल फ़ोन में और आपको फिर दिखाते हैं इसके जो थ्री फीचर्स हैं, तीन बार पुश करने पे अलग अलग फीचर्स हैं वो आप जब दिखाते हैं। तो अब हम इसको जो है लगाते हैं अपने मोबाइल फ़ोन में। तो इस टाइम जो है अब हमारा ट्रांसमीटर है जो जैक है इस माइक का वो लग चुका है हमारे मोबाइल फ़ोन में। तो ये इस टाइम अब जो रिकॉर्डिंग हो रही है वो हमारे माइक से हो रही है, ये नंबर वन स्टेप पे जो रिकॉर्डिंग है उस टाइम हो रही है। अब आप देख सकते हैं, मैं दो मिनट चुप होता हूँ, बिल्कुल आपको आवाज़ नहीं दिख रही होगी इस माइक की क्योंकि जो है हमारी जो साउंड है काफ़ी अच्छी आ रही है इस माइक से। अब मैं दो मिनट के लिए चुप होता हूँ ताकि आपको देखने को मिले कि वॉइस कैसी आ रही है। ये तो हो गया हमारा, आप देख सकते होंगे आपको साउंड देखने को मिलेगी। तो अब थ्री बार हमने ये बटन पुश किया तो अब हमारी जो नॉइस है आप देख रहे होंगे काफ़ी गूंजी भी आ रही होगी वीडियो में। तो अब हम मैं फिर से दो मिनट के लिए चुप होता हूँ, आप देख सकते हैं इस टाइम जो आसपास की वीडियो है जो वॉइस है वो बिल्कुल नहीं आपको सुनाई पा दे रही होगी। तो ये जो सबसे अच्छा फीचर्स मुझे जो लगे हैं ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है माइक जो है और हमें फ़ीचर्स भी काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं। देखा जाए तो अब इसको हम नॉर्मल मोड पे ले आते हैं। नॉर्मल मोड पे लाने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ तीन बार दोबारा से पुश करना है, मोड पे आ जाएगा। आप देख सकते हैं ग्रीन लाइट फिर से पुश हो के चल रही है, तो अब ये जो है नॉर्मल मोड पे आ गया। और जो इसमें सबसे अच्छी बेटर चीज़ जो मुझे लगी वो ये है कि जो इसको इसके जैक को चार्ज नहीं करना और ऊपर से अगर आपने अपनी वॉइस सुननी हो तो आप इसमें एयरफोन लगा के अपनी वॉइस भी सुन सकते हैं और आप मीटिंग अटेंड कर सकते हैं अपने ऑफिस की या आप वीडियो शूट कर सकते हैं। और इसमें जो हमारे पास केस है इसमें हमें मिलते हैं दो माइक, आप देख सकते हैं ये हम केस अपना साथ रहे हैं, इसमें दो माइक मिलते हैं। तो आप किसी को अपने फ्रेंड को साथ दे सकते हैं ताकि जो है ये माइक हमें देखने को मिले जो साउंड है। अगर हम किसी और की भी साउंड चाहते हैं अपने फ्रेंड की या कज़न की किसी की भी तो हम उसको भी ये लगा सकते हैं और हम अपने खुद भी नॉर्मली ये इजीली फिट हो जाता है ये यहाँ पे ऐसे। और इसको कोई हमें मतलब काफ़ी ओवर भी नहीं दिखता कि हमने कोई चीज़ फिट करी हुई है अलग से, थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वालिटी का स्टैंडर्ड दिखता है। तो कई देखा होगा आपने बहुत बड़े बड़े वो बुरे भी लगते हैं, ये काफ़ी मुझे अच्छा लगा। तो अगर आप देखा जाए तो ये आप परचेज कर सकते हैं नॉर्मली बजट में है, ये 20-30 हज़ार के माइक का मुकाबला करता है सिर्फ 2,999 रुपये में। आप इसको अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट परचेज़ कर सकते हैं और भी माइक हैं होते हैं बहुत, पर अगर मैं आपको एडवाइस दूंगा कि ये जो मैंने लिया और आपको वॉइस टेस्ट भी कराया और काफ़ी बेहतरीन है
मेरे हिसाब से, तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेके। थैंक यू।